सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए। आप सभी मेरे सीनियर्स हैं और हर बार की तरह इस बार भी मैं अंत में ही बोल रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अंत में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सबके थॉट्स सुनने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। ठीक है, आप सब मेरे सीनियर्स हैं तो सीनियर्स एक अच्छी नॉलेज मुझे दे देते हैं और जिसको मैं बड़े ध्यान से सुन लेता हूँ, और अंत में जब अपनी बात रखने का मुझे मौका मिलता है तो मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि चलिए कम से कम मुझे बात रखने का मौका मिला है। तो आज आप लोगों के कुछ जो क्वेश्चन हैं, ये सेमिनार जो आपने अटेंड करवाया आज मुझे, इसका जो थीम रखा है वुमेन एम्पावरमेंट, और जो हालांकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपके जो 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और मैं बड़ा ही सोच रहा हूँ उनके क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने बड़े बेहतरीन दिए हैं, शायद मैं भी ऐसे आंसर दे पाऊँ। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ये सही बताऊँ तो देखिए बुरा लगे या सही लगे, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वही बताऊँगा आज भी, हर बार की तरह मैं अपने पर्सनल थॉट ही दूंगा, किताबी ज्ञान तो भरा पड़ा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही है कि महिलाओं की कंडीशन आज के समाज में क्या है। ठीक है, क्या महिलाएं सही हैं, उनको आत्मनिर्भरता मिली है, ये सब वगैरह। एक बात सोचिए, अगर महिलाओं की कंडीशन सही होती तो फिर ये क्वेश्चन ही क्यों बनता? अगर महिलाओं की कंडीशन सही होती तो ये क्वेश्चन क्यों बनता? हम क्वेश्चन पे बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी कमी है, आज भी नहीं मतलब बहुत कमी है। मैं कोई छोटी मोटी कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कमियाँ आज भी हमारे समाज में हैं। और जैसे अगर महिलाओं की कमी के बारे में बोलूँ मैं, तो आज भी उनको पूरी आज़ादी नहीं है। सबसे बड़ी बात है लिबर्टी की, लिबर्टी फेटर्निटी इक्वालिटी कुछ भी नहीं है क्या अब तक आपने दिया है समाज में? आज भी आप देख लीजिए मैन डोमिनेटिंग सिस्टम चल रहा है, मैन डोमिनेशन हर जगह पे, ठीक है, सन मेटो प्रेफरेंस ही चल रहा है। तो और इसी वजह से बहुत सारी कंडीशंस और बन चुकी हैं। मैं सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ और फिर उसको मैं मिक्स करके अगर आंसर दूंगा तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे बार बार मैं क्वेश्चन आंसर खेलना नहीं चाह रहा। और अगला क्वेश्चन है समाज में उनकी स्थिति क्या है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन जो है उसमें है उनकी आज़ादी की बात, ये टॉपिक मेरा फेवरेट है एक तरह से। और एक है कि भविष्य में क्या संभावना है उनके लिए, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं। और सबसे लास्ट टॉपिक वही जो हमारा घिसा पिटा हमेशा डायलॉग लगता है हमारे समाज का, अत्याचार। क्या अत्याचार? तो इन सबको मैं एक एक करके रिलेट करके डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर आप सभी से। अगर आपको थॉट अच्छे लगे तो प्लीज़ तारीफ़ कीजिएगा, नहीं थॉट अच्छे लगे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो देखिए जो, लेकिन उससे पहले मेरे जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर निर्मल पटनायक, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आज, क्योंकि आप ही ने मुझे पढ़ाया मुझे सिखाया, तो मैं आप ही सबसे पहला क्वेश्चन करूँगा कि आपका जो क्वेश्चन है भविष्य, ठीक है, मेरे को अच्छा लगा कि भविष्य के बारे में हम चिंतित हैं, लेकिन क्या प्रेजेंट अच्छा है? जो प्रेजेंट है वो अच्छा है। भविष्य हमेशा आएगा, रोज़ भविष्य आता है, कल रोज़ चला जाता है, हम हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। जब हम प्रेजेंट में जी रहे हैं तो प्रेजेंट के हिसाब से हम क्या दें उनको, ऐसा क्या होना चाहिए उनके पास? कंडीशन तो यही है ना कि हम बोल रहे हैं कि महिलाओं की कंडीशन अच्छी है या ख़राब है, बाई डिफ़ॉल्ट अच्छी है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। आज महिलाओं की कंडीशन ख़राब है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, रिलेट कर लीजिएगा चाहे तो। देखिए हम बात हमेशा करते हैं समाज की स्थिति, हम पहले अगर समाज की स्थिति की बात करने से पहले अगर हम अपने घर की स्थिति बात कर लें कि घर की स्थिति कैसी है तो बेटर रहेगा हमारे लिए, कि भाई घर में स्थिति कैसी है महिलाओं को लेकर के। अब जब घर में स्थिति की बात करेंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए, हर घर में देखिए जहाँ पर कोई लड़की है महिला है, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग नियम कानून बने होते हैं। महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे नहीं पहनने, ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना, ठीक है, सब जगह अलग अलग नियम कानून है। बचपन में जब कोई लड़की पैदा होती है, लड़की के पैदा होने से लेकर के उसके बड़े होने तक यानी शादी होने तक, लड़की कोई पैदा हुई, हम क्या करते हैं, पहले डिफाइन कर देंगे लड़की है, इसके लिए गुड़िया ला के दो, ठीक है, सॉफ्ट टॉयज ला करके दो, ठीक है, इसको पिंक कलर ही पसंद आएगा, ड्रेस व्रेस, मतलब उसका पहले से हम माइंड सेटअप बनाते हैं एक कि तू लड़की है, ठीक, लड़के को हम उससे अलग ट्रीट करते हैं, यहीं से ट्रीटमेंट बंद हो जाना चाहिए, अलग जैसे है सबको इक्वल रखो, क्या फ़र्क पड़ता है? बॉयज़ के कपड़े अलग, गर्ल्स के कपड़े अलग, ये चलो मान लेते हैं हम कि बॉयज़ के कपड़े अलग, वरना फिर यार आर्ग्यूमेंट हो जाएगा कि आप पहन कर देखो ये वो सब मैं नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है, चलो ठीक है, पहनावा तक तो अलग है कि पहनावा है, लेकिन पहनावे में छूट होनी चाहिए, छूट होने में क्या दिक्कत है पहनावे में?
छूट का मतलब यहाँ ऐसे है कि इसको हम थोड़ा सा बड़े लेवल पर थोड़ा कनेक्ट करने जा रहा हूँ मैं, कि जब किसी की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, ठीक है, तो लड़की आज की डेट में अगर शादी से पहले लड़की क्वेश्चन करती है तो अपने ससुराल वालों से या अपने होने वाले पति से एक क्वेश्चन कर पूछती है, वो ज़रूर पूछती है वो कि आपके घर में परमिशन है जींस टॉप पहनने की, या सर पे पल्ला रखना पड़ेगा, या कुछ और, लाइक ऐसे टाइप के क्वेश्चन उसके बड़े आते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि, और फिर कहते हैं हाँ जी हमारे यहाँ तो परमिशन है, हम आपको ये परमिशन देंगे, हम आपको यहाँ जाने की परमिशन देंगे, हम आपको वहाँ पहुँचने की परमिशन देंगे, ये सारी बातें आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि आप होते कौन हो परमिशन देने वाले, हु आर यू, आप कौन हो परमिशन देने वाले, जिस लड़की की अपनी आज़ादी। और जब माँ बाप शादी तय करने की बात करते हैं लड़की की, तो ये भी वो भी भूल जाते हैं नॉर्मली कि भाई हमारी लड़कियों को परमिट कर रहा है, क्योंकि, और नहीं परमिट करेगा, क्यों नहीं करेगा, हमारी लड़की को परमिट नहीं करेगा, समझता नहीं है, यानी कि हम एक तरह से उसको लड़की की पूरी अथॉरिटी, पूरी चाबी दे रहे हैं कि ले रख ले हमारी लड़की को, इस्तेमाल कर, अब वो उसकी पत्नी नहीं है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। जॉब करने की परमिशन है कि नहीं है वो उससे मांगी, वो उसको बताई जाएगी, उससे पूछी नहीं जाएगी, पूछनी चाहिए कि भाई आपको जॉब करनी है, आपका हाउस वाइफ बनना है, या उसका फैसला होना चाहिए, वो जॉब करे, हाउस वाइफ बने, वो कैसे कपड़े पहने, कैसे ना पहने, ठीक है। और वो बताते हैं कि अरे इस शादी हो तो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये साड़ी पहननी है, वो सूट पहनना है, क्या है यार, उसको भी इतनी समझ है, वो गवार थोड़ी है, पढ़ी लिखी है, और इतना तो पता है कोई भी लड़की इस तरह से, अब इस तरह से मतलब घूमना नहीं चाहेगी, ठीक है। लड़की क्या, लड़का भी, लड़के को अगर बोल दो बनियान में निकल जाए तो निकल जाएगा क्या, आप किसी फैमिली पार्टी में जाओगे और लड़का वहाँ बनियान में घूमेगा क्या, तो वैसी लड़की भी नहीं घूमेगी, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक। ऑफ शोल्डर टॉप है, बहू नहीं पहन सकती, क्यों नहीं पहन सकती बहू ऑफ शोल्डर टॉप, हाँ लड़का है, अगर घर में वो बेटी है तो बेटी की तरह बेटी आपकी पहन सकती है, लेकिन बहू नहीं पहन सकती, ये तो गलत व्यवहार हो गया ना। और फिर एक आता है, आपने बोला कि समाज की स्थितियाँ, समाज, हम भी समाज ही तो हैं, हम एक बार एक बोलते हैं कि हम रिश्तेदार गलत होते हैं, ये सब रिश्तेदार नहीं, हम भी रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक अथॉरिटी रोकी जाती है उनकी। अगला एक पॉइंट ये है कि मान लो किसी प्रकार से, जैसे स्टडीज़ को लेकर देख लो, स्टडीज़ में पहले डिसाइड कर देंगे कि आपको ये पढ़ना है, 99% कोशिश की जाती है कि लड़की जो भी है वो टीचर बन जाए, बीएड कर लो, बीटेक कर लो, ज़्यादा दिक्कत हो गई चलो फैशन डिजाइनिंग में डाल दो, ठीक है, कुछ दिक्कत को इंजीनियर डॉक्टर में डालते हैं, और उन्होंने भी डालने के बाद में इंजीनियर बना देंगे तो गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर बनेंगे तो गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पे उनकी कंडीशंस हैं। कुछ फैमिलीज हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं जो 1 या 2% ही हैं जो अपडेट हो चुकी हैं, अब कंडीशन वहाँ नहीं आ रही है, लेकिन इंजीनियरिंग में भी कौन सी इंजीनियरिंग करनी है ये डिसाइड करना है, कैसे करनी है डिसाइड करना है, लड़कियों का वजूद ख़त्म कर दिया है, लड़का आपका जो मर्जी करे, और डिसाइड करना है तो कम से कम उससे पूछ तो लो उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, बिना पूछे आप उसको हर चीज़ कराते हो यार, ठीक। और शादी में हर घर में अमाउंट डिसाइड होता है, अमाउंट, लड़की की शादी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, करोड़ों तक पहुंच जाते हैं भाई, और उसमें उसमें मिलता लड़की को क्या असल में, कुछ भी नहीं। और ताना क्या लगता है, तेरी शादी में इतने पैसे खर्च होंगे, उसकी शादी थोड़ी कर रहे हो आप एक समाज को दिखा रहे हो कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्टेटस कितना बन गया, क्योंकि आप अगर मान लो 10 लाख रुपए दहेज देते हो ना एक लड़के को, दहेज का तो मैंने खैर नाम ही लेना नहीं चाहता क्योंकि दहेज की प्रथा को तो अलग ही मैटर दे दिया है यहाँ पर लोगों ने, कि अगर मान लो आप एक अमाउंट दे रहे हो, अब आपने वो अमाउंट दिया किसको जा करके, एक अपनी बेटी को दे दिया अमाउंट, ठीक है, अब अमाउंट आपने अपनी बेटी को दिया है, लेकिन उस पर अथॉरिटी किसकी आ जाएगी, लड़की की आ जाएगी, वो लड़की अपने उस अमाउंट को भी जो उसके माता पिता ने दिया है उसको भी अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती, समझ रहे हो, अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती, तो क्या ये सोचना क्या है इसमें, ठीक। अब उसमें क्या है कि आना जाना रहना खाना सब चीज़ पे बाउंडेशन हो जाती है, ठीक है। अब देखो कुछ, हालांकि मैं एक प्रकार से ऐसे नहीं कि मैं नेगेटिव इम्पैक्ट पे ही बात करूँगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पे ही बात करूँगा, ठीक है। और एक होती है सिक्योरिटी वाली बात, ठीक है। अब किसी घर में बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है, 5 साल का लड़का है, 25 साल की लड़की है, ऐसे भी होता है, कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, ये डिफरेंस है सभी में। लेकिन आप एक लड़की को लड़के के साथ भेज देते हो कि सिक्योरिटी ये वो, अगर समाज अपने लड़कों को सिखाए कि सब लड़कियों से एक व्यवहार सही तरीके से होना चाहिए तो क्यों सिक्योरिटी की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं जानता हूँ कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा मैटर है, और इसमें ऐसे नहीं लड़कियों को खतरा है, लड़कों को भी खतरा है, लड़कों को भी खतरा है, ठीक। जिसकी सोच क्राइम करने की बन चुकी है वो तो क्राइम करेगा,
इसके लिए क्या आप अपनी बेटी का या घर की बहू का जीना दुश्वार कर दोगे, ये बताओ। इसके बाद जैसे एक भविष्य की बातें और ये लाइक अत्याचार, अत्याचार तो खास तौर पर देखो जो अत्याचार मेरे को देखने को मिलता है आजकल, आज की डेट में एक बेटी अपने बाप की बड़ी लाडली है, बहुत लाडली है, ठीक है। अत्याचार असली कहाँ होता है, जब आती है बात प्यार की, बेटी के लव मैटर की। अगर बेटी ने गलती से लव कर लिया तो सबसे बड़ी बात है, अरे लव कैसे कर लिया, दिमाग ख़राब है हमारा, तो समाज क्या बोलेगा, ये सारी बातें हैं सर, ठीक है। और दूसरी बात, हालांकि मैं उसे लव नहीं मानता हूँ, जनरेशन में लव नहीं है, लव क्या होता है, लव को अगर हम डिफाइंड करें एक प्रकार से तो इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड की बात, मैं खास तौर में तो इंडिया की बात ही करना चाहूँगा, हमारे समाज की बात करने का, हमारे समाज में लव केवल दो ही होते हैं और दो ही लोगों से हो सकते हैं। कोई भी इंसान केवल अपने माता पिता से ही लव कर सकता है, बाकी सब अट्रैक्शन है, लव है ही नहीं। आपने एक सुंदर लड़की देखी, आपको अट्रैक्शन हो सकता है, आपने एक सुंदर लड़का देखा, आपको अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर आपने कहा कि लड़का कामयाब हो सकता है भविष्य में, ये वो अट्रैक्शन भी नहीं है, वो एक सेल्फिशनेस आ जाती है कि भविष्य क्या है लड़के का या लड़की का, भविष्य क्या है, वहाँ सेल्फिशनेस दिख रही है। तो अट्रैक्शन एक वर्ड है, ठीक है, इसे लव नहीं कह सकते हम। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ बिल्कुल आपकी बात को सुन रहा हूँ सर, हाँ मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपकी बात पर आ रहा हूँ। एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए, जैसे देखिए कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़की है और लड़का है, वो आपस में लव करते हैं और उनका लव बड़ा अच्छा है कि बस तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मर जाऊंगी, ये वो। अब देखो पेरेंट्स का लव कैसे बढ़ा, मान लो लड़के ने थोड़ा बहुत गुस्सा किया लड़की के पेरेंट्स पे, कुछ बोला, तो लड़की क्या बोलेगी, नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलना, ये लव है, यानी कि उसने अपने प्यार को त्याग दिया, समझ रहे हो, उसको बोल दिया कि तूने मेरे पेरेंट्स को कुछ बोला कैसे, तो ये लव है, ये लड़की का माँ बाप के लिए लव है। क्योंकि भैया 30-35 साल, और सबसे उसे पता है कि केयर माँ बाप ही करेंगे। हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ सर आपका क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन ये है ना कि जब 18 साल की लड़की देश का प्रधानमंत्री चुन सकती है तो अपना लाइफ पार्टनर क्यों नहीं चुन सकती। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 18 साल की लड़की अपना लाइफ पार्टनर चुन सकती है, आई एम एग्री, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को आप 5 साल में बदल सकते हो, क्या लाइफ पार्टनर को 5 साल में बदल दोगे, ये सोचिए सर। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, नहीं 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 सर मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं लव के अगेंस्ट नहीं जा रहा बिल्कुल भी, या फिर मैं उनकी आज़ादी के, अभी मैं लिबर्टी की बात करता, आप सोच रहे हो, मैं अगेंस्ट नहीं जा रहा, मैं एक बात एक नॉर्मलाइज कर रहा हूँ इसको, अभी नॉर्मल अभी आ नहीं थी मेरी बात, पहले कंप्लीट है फिर आप बताइएगा। हाँ सर मेरी बात एक बार नॉर्मलाइज हो जाए तो फिर मैं डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए प्लीज़, थैंक यू। अब देखो एक्चुअली में क्या है कि लव में अगर एथिक्स है, मोरालिटी है, दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स हम रिश्ता ढूंढें या कुछ भी करें, लेकिन कहीं पर क्या है, अब देखो इसको दो पैटर्न पर लेते हैं। कोई मान लो एजुकेटेड फैमिली है, बहुत एजुकेटेड फैमिली है, और उन्होंने बोला, उसके किसी बेटा या बेटी ने बोला कि मैं उससे बहुत बहुत अच्छा अच्छा प्यार करती हूँ, आई एम ट्रूली लव विद, हम जो भी बात है उसने बोल दी अपने पेरेंट्स को, तो उसके पेरेंट्स एकदम सोच करके एक ही, मतलब 90% केसेस में यही होगा कि ठीक है आप अगर उससे प्यार करते हो तो आप उससे शादी करो, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, शादी करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो तो एग्री है, ठीक है। अब वो गरीब होगा तो वो कहेंगे ठीक है एजुकेशन देंगे तो सही हो जाएगा, एजुकेशन के बाद में सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन अगर वो बोले कि ठीक है थोड़ा बिगड़ा हुआ भी है तो बोलेंगे ठीक है, जहाँ एजुकेशन होती है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट जरूरी होता है, इम्प्रूवमेंट हो जाती है, ठीक। लेकिन यहीं अगर इसको नॉर्मल मिडिल क्लास सोसाइटी में देखा जाए, जहाँ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन की कमी है या फिर एजुकेशन बहुत थोड़ी है अभी, वहाँ अगर लव की बात की गई तब क्या होगा, तब क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, तब पहले तो लड़की का फ़ोन तक पर नज़र होती है, लड़के किससे बात कर रही है, क्यों बात कर रही है, कैसे फ़ोन कैसा आ गया, लड़के का फ़ोन है, हाय अल्लाह ये तो जुर्म हो गया, हे भगवान हे राम कौन बचाएगा, ठीक है। और अगर गलती पता लग गया तो सबसे पहले देखते हैं किस धर्म का है, सबसे पहले धर्म जानेंगे, फिर किस जात का है, सबसे पहले जात जानेंगे, ठीक है। फिर तीसरा नंबर जो आता है, तीसरा ऑप्शन जो आता है कि कमाता कितना है, कुछ करता है, अपने पैरों पर खड़ा है कि नहीं खड़ा है, ये एक ऑप्शन भी है, ठीक है, कि कितना कमाता है। बोल देगी अगर मान लो उस लड़की ने बोला कि 2-3 लाख रुपए सैलरी है उसकी, तो बेस्ट ऑप्शन है कि भाई ठीक है। लेकिन अगर बोले कि 10,000 15,000 20,000 कमा रहा है तो उसके लिए फिर वो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा ना। और फिर इसके अगेंस्ट में अगर जा करके लड़की मतलब कमाने का, तो फिर देखें फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, खुद का घर कितना बड़ा है, फ्यूचर कैसे, सारी चीज़ें एनालिस कर रहे हैं। क्यों ये सब क्यों एनालिस कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं, वो प्यार करते हैं अपने बच्चों से, ठीक है। क्योंकि हर किसी की लिमिट सेट की है प्रकृति ने, लिमिट कैसे सेट की है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का चाह करके बुरा नहीं कर सकते, ठीक
ये मैं मानता हूँ, ठीक। हाँ, कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती हैं, लेकिन वो जानबूझ के बुरा नहीं कर सकते अपने बच्चों का। कंडीशन ऐसी बन जाती है, सभी के साथ बनती हैं, ठीक है। और कोई लड़का या लड़की को प्यार में धोखा खाया तो उसको भी तो माँ बाप ही संभालते हैं ना, कोई और थोड़ी आकर संभाल लेगा उसको, ठीक। अब नेक्स्ट कंडीशन, मतलब जैसे ये अत्याचार वाली बात, कि अत्याचार कैसे खत्म होगा ये वो। हाँ, मैं थोड़ा जल्दी कंक्लूड करूँ कर रहा हूँ सर, इसको ज़्यादा टाइम ले रहा। अत्याचार पर कर्म आए, आधा अत्याचार तो लड़कियों ने खुद अपने लिए झेल रखा है, और इसमें मैं बोल रहा हूँ लड़कियाँ भी कम नहीं है। कैसे? देखो, कि लड़कियों को चाहिए पहले क्या, सिक्योरिटी। लड़कियाँ देखती हैं अच्छी जॉब है, अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा कमा लेता है, ये सब चाहिए लड़कियों को, ठीक है। मतलब ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन लड़कियों ने अपने आप को बांध दिया। जैसे लड़की और लड़कियों से कैसे बांधा, समाज अपने आप को समाज के ही थ्रू बांधा, अपनी फैमिली के थ्रू, कि लड़का कमाने वाला हो तो घर आए चलेगा। अगर कहीं पर लड़की जॉब करती हो, इसका उल्टा लेता हूँ, हाँ सर बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, देखो इसका अगर उल्टा ले लो आप, कि मान लो लड़की जॉब कर रही हो, लड़का घर बैठा है, ठीक है, तो ये समाज को एक्सेप्टेबल भी नहीं है। समाज एक्सेप्ट कहेगा क्या लड़का मर्द ही नहीं है, ये वो, उसकी मर्दान की बेशक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। लड़की रात को कॉल सेंटर में जॉब करे या कहीं बाहर चली जाए, कुछ भी हो जाए, अरे बहू बाहर है, दिमाग खराब है, ये नहीं है त्यौहार, 36 चीज़ें हो जाएंगी, 36 चीज़ें, ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं, और इसमें पहल जो करनी पड़ेगी, देखो समाज के लड़के हों या माता पिता हों, सब उस तरह ढल चुके हैं, वो समाज ने ढाला है उनको ऐसे, ठीक है। पहल करनी पड़ेगी लड़कियों को, लड़कियों को अपनी बातें रखनी पड़ेंगी, कहना पड़ेगा इसमें कि हमें ये करना है, हमें चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें वैसा होना चाहिए, ठीक है। और ये कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि इमीडिएट चेंज है, रिफॉर्म्स होते हैं, सालों लग जाते हैं। मैं बड़ा लकी हूँ, मेरी सिस्टर ने मेरे घर को बदल दिया, ठीक है। मेरा भी, मैं कहूँ उतना कॉन्ट्रीब्यूट मेरा भी नहीं है, अपनी सिस्टर को एकदम अपर लेवल पर लाने के लिए इतना मेरी सिस्टर का ही है। उसने लड़ाई लड़ी है, मेरे घर में लड़ाई लड़ी है, मैं सही बता रहा हूँ, उसने जगाया है, दिखाया है एक आईना, ठीक है, उसकी वजह से सोच बदली हमारी भी। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ कि भाई उसकी सोच अच्छी हुई, डेवलप हुई, और मैं कहता हूँ कि उसने एजुकेशन, जो उसको एजुकेशन दिलाई गई, ठीक है, उसने उस एजुकेशन का भरपूर फ़ायदा उठाती है और हमें एक रास्ता भी दिखाती है। अब रास्ता दिखाने का इसको भी बता रहा हूँ, रास्ता बिल्कुल रास्ते का दिखाते हैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग समाज में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई किसी भी तरह से जो आपकी घर के जो लड़के हैं, मैंस हैं, मैन डोमिनेटेड जो एरिया है, उसमें सारे डिसीजन ले जाएंगे। जबकि होना ये चाहिए कि घर में बहू हो, बेटी हो, जो भी हो, अगर उसके डिसीजन अच्छे हैं, किसी भी, क्या इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो या सोशली हो, तो उसकी बात सुनो, उसको इम्प्लीमेंट कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। उसको इम्प्लीमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है सर कि ऐसा ना हो, इसके बाद सब मुझे गालियाँ देने लगे, दबा जबरदस्त करके, क्या क्या बातें कर रहा है, समाज को बिगाड़ देगा ये वो, ठीक है। नहीं, मेरे देखो अपने सोच है, अपने थॉट्स है मेरे, अगर आपको लगता है ऐसा तो ठीक है यार, मैं सर ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और देखो मेरा अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी समाज को डेवलप करने के लिए लड़कियों को प्रॉपर एजुकेशन जरूरत है, उनको आज़ादी दो, आज़ादी दो उनको, ठीक है। और कम से कम ये भी निगरानी रखो, इतना आपको देखना है, आपका काम ज़्यादा देखने का नहीं, इतना देखने का है कि लड़की की जो आज़ादी है, ठीक, उसके ऊपर कोई बाहर का व्यक्ति तो अंकुश लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। होता है, आपने आज़ादी दे दी तो फिर बाहर के चार लोग उससे पीछे हैं, ये है वो, ठीक। लड़की के हैं, लड़की को ये भरोसा दिलाओ कि आप जो भी बात है सच हमें बताओ, आपके फ्रेंड्स कितने हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, आप हमें बताओ, ठीक है। जब वो आप पे ये भरोसा कर सकेगी, आपको सारी सच्चाई बताएगी। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि लड़कियाँ खुद भी डरती हैं, लड़कियाँ खुद भी डरती हैं, ठीक। सबसे बड़ी बात है, देखो लड़कियाँ क्या है, कहते हम झूठ नहीं बोलती, सब झूठ बोलते हैं, ठीक, झूठ सब बोलते हैं, लेकिन उस झूठ का फ़ायदा कहीं ना कहीं उनके नुकसान में बदल जाता है, वो सोचते हैं हमारा फ़ायदा और नुकसान में बदल जाता है, इसकी वजह से क्राइम बढ़ जाता है, ठीक, इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा एकदम मेंटल डिस्टर्ब होना पड़ जाता है, समझ लो। अब इसमें क्या है कुछ, अच्छा एल्कोहल, हाँ एल्कोहल पे भी, क्यों एल्कोहल में क्या प्रॉब्लम है ये बताइए, अगर लड़की वाइन पी रही है, विस्की पी रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, एल्कोहल कंज्यूम कर सकती है लड़की भाई, अगर उसको पसंद है, उसमें भी क्या कंडीशन है कि मैन पिएंगे, वुमेन नहीं पिएगी, या फीमेल मैन, इसमें क्या कंडीशन है, पिए, क्या फ़र्क पड़ता है, लड़की पिए लड़का पिए, जिसको पीना है वो पीने के लिए बना है ना, अगर वो पीने के लिए तो सबके लिए पीने के लिए, वरना किसी के लिए पीने के लिए नहीं है वो। हाँ देखिए, इसमें ये तो थोड़ा, देखिए ये थोड़ा सा पॉइंट आता है इसमें, जैसे
मान लीजिए कि आजकल का जो समाज, आजकल क्या हो रहा है, देखिए जो कंडीशन मैंने देखी है अभी बहुत सारे उस जगहों पर, उसमें क्या है कि जैसे कोई फीमेल है, अब फीमेल है या मेल है दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, और दोनों किसी के प्यार में आपस में एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, ठीक है, तो वो उसे एकदम वाइफ मान लेंगे अपनी और वो उसे हस्बैंड मान लेंगे अपनी, ठीक है ना, और एकदम हस्बैंड वाइफ का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है उन दोनों का, ठीक, और पूरी तरह से अगर मान लो उसको कहीं जाना लड़की को, तो पूरी तरह से पहले अपने पेरेंट्स से पहले परमिशन उससे लेना पसंद करते हैं कि ये क्या बोलते हैं, अजी आप कहते हो, अजी आप सुनते हो, अजी मेरे ये हो आप, वो मतलब वो पूरी अथॉरिटी खुद दे देती है उसके हाथ में, वो पूरी अथॉरिटी दे रही है उसके हाथ में, और क्या ज़रूरत है उस अथॉरिटी की, और वो लड़का भी फिर ये सोचता है, उस लड़के का माइंड भी आया था कि अरे ये तो मुझसे पूछ कर करेगी, लड़के ने बोला नहीं नहीं इन फ्रेंड के हाथ में उठना बैठना, तो वो मना कर देगी कि नहीं भाई, वो अपना फ्रेंड सर्कल तोड़ देगी, ठीक है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन है, लड़का कहीं जॉब पे है लड़की नहीं है तो बोलेगा तुम जॉब करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे यार क्यों ना जॉब करो, उसकी अपनी वैल्यूज को करने दो जो कर रहा है वो, भाई क्यों आप उसको ऐसे टॉर्चर करना दिखाना ये वो करना, ठीक, और अंत में कहीं ना कहीं एक और कंडीशन आ जाती है, अब वो क्या है एक तरह से कुछ सालों के लिए जी रहे हैं कि पति पत्नी भले अलग अलग रह रहे हैं, अब देखो ना लड़की के घर वालों को पता ना लड़के के घर वालों को पता, और वो एकदम से ऐसे फीलिंग ले आते हैं अपने अंदर, ठीक है, अब फीलिंग लाने के बाद क्या होता है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, यही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, यू गेट माई पॉइंट, प्रैक्टिकल होना चाहिए उन लोगों को, प्रैक्टिकल कैसे होंगे कि आप अगर अलग कर दो उनको, मान लो आपकी फीलिंग है 4-5 साल की फीलिंग जुड़ी है, 3 साल 1 साल जो भी है उसको अलग किया, तो अब उनकी यादें आएंगी, यादें सताएंगी, क्यों यादें सताती हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि आपका प्यार कितने सालों का है, एक माँ बाप आपको 30 साल से प्यार कर रहे हैं और एक इंसान मिला भी 1 साल नहीं हुआ उसको, 2 साल नहीं हुआ, और आप उसके प्यार में इतने कि अपने माँ बाप के अगेंस्ट हो जाते हो, इतना अगेंस्ट हो जाते हो, मैं नहीं कहता कहीं कहीं पर है होना भी चाहिए अगेंस्ट थोड़ा बहुत, ठीक, लेकिन ये देखिए कि अगर आपके माँ बाप ने आपको बड़े नाजों से पाला है ऐसा कुछ किया है तो वो गलत फैसला ले लेंगे, हालांकि उनकी भी गलती है कि वो फैसला आपसे पूछ के नहीं ले रहे हैं, पहले आप पूछिए देखिए क्या स्थिति है क्या कंडीशन है, अगर आपको लगता है तो उनको अच्छे बुरे दोनों पहलू दिखाइए, मान लो लड़की कोई लड़का दिखा रही है तो उसको देखिए बात कीजिए उससे, उसको अच्छे बुरे पहलू दिखाइए इसके लड़की को कि भाई ये कंडीशन है ये संभावना बन सकती है भविष्य में, इतना तो जब आप अरेंज मैरिज करते हो, अरेंज मैरिज में क्या होता है, यही तो होता है ना अरेंज मैरिज में भी कि लड़की लड़के वाले जाएंगे लड़की देखने, लड़की दोनों आपस में देखते हैं और कंक्लूड करते हैं उसको कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, सब समाज के लोग जो बड़े घर के लोग हैं वो अपना उसमें एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो करना चाहिए उनको भी एक्सपीरियंस शेयर, वहाँ पर भी लव मैरिज को भी अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हो आप, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन मोरालिटी और एथिक्स तो देखो ना उसमें कितना है, उसके अंदर मोरालिटी और एथिक्स, जब वो होगा तो सब कुछ होगा, जब वो होगा तो सब कुछ होगा, यहाँ तो हथियार निकल जाते हैं पहले, और सबसे पहले देखो ये भी कंडीशन उठ के माता के ऊपर जाएगी, यानी कि वो महिला के ऊपर जाएगी कि तुमसे घर में लड़की नहीं संभाली गई, तुम क्या करती हो पूरे दिन घर में, और तुम एक लड़की का ध्यान नहीं है, लड़की हाथ से निकल गई, सारी कंडीशन माँ के ऊपर, ये नहीं सोचा गया कि वो लड़की आपको ये बात बता नहीं रही इसका मतलब कहीं ना कहीं डर था, कहीं ना कहीं वो दबी हुई थी, अगर उसने पहले ये बात बताई होती तो शायद पहले आप इस चीज़ के बारे में बात कर लेते, क्या पता आपको लड़का पसंद आ रहा तो ओके कर देते, लड़का नहीं पसंद आ रहा तो ना ओके करते, ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं एक लास्ट स्टेज क्या आती है ब्लैकमेलिंग की, ये हमारे समाज की प्रथा है, ब्लैकमेलिंग होगी, लड़की के माँ बाप क्या करेंगे, जहर खा लेंगे, फांसी पर लट जाएंगे, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, लड़की को ब्लैकमेल करेंगे कि हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर होता है लड़का लड़के का ब्रेकअप, और फिर वो लड़की जो होती है या लड़का जो होता है, हाँ लड़के की तो हम बात नहीं कर रहे, वेबिनार तो लड़की के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं वो लड़की जो होगी अब वो आ जाएगी अपने फैमिली के अगेंस्ट, और फिर वो कुछ भी उल्टा सीधा करेगी, लड़ाई झगड़े करेगी, और फिर वो अपना मुंह खोलना या बोलना शुरू करेगी, ठीक है, मुंह खोलेगी बोलेगी, और कुछ समय के बाद में वो शायद ऐसी भी, देखो दो ही कंडीशन होती है, या तो वो अच्छी बन जाए अपने परिवार के लिए कि चलो परिवार की बात मान ली, वो समझ जाए कि हाँ मेरा परिवार मेरे से प्यार करता है, लेकिन या फिर ये हो सकता है कि क्या कहते हैं ये इसका जी, नहीं सब सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ आपकी बात, नहीं, देखिए इसमें यह है कि कुछ कंडीशन देखो ऐसे भी तो बनती है ना, लड़के ने मान लीजिए लड़का पसंद आ गया लड़की को, बात हो रही है और गोली दी जा रही है, हाँ शादी करेंगे हम, ये करेंगे हम, वो करेंगे, और शादी करने मतलब बातचीत हो रही है, अंत में जाकर क्या वो घुमाना शुरू करता है, यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे, ये है प्रॉब्लम है, कास्ट प्रॉब्लम, बहुत सारी बातें होती हैं, पहले उसे पता है उसका टाइम पास हो रहा है आराम से, पहले उसका टाइम पास हो रहा है आराम से, फिर बाद में टाइम पास के लिए जब उसको पता है ठीक है मेरे को टाइम पास नहीं करना, तो वो अलग होने के लिए 36 बातें करता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ नॉर्मल है, और सबसे बड़ा बड़ा हथियार फिर हो जाता है इमोशनल ब्लैकमेल, और इमोशनल ब्लैकमेल मैक्सिमम कंडीशन में लड़की के साथ ही होता है,
ठीक है, सबसे पहले लड़के का जो बॉयफ्रेंड होगा या फिर जो महिला होगा वो इमोशनल ब्लैकमेल करेगा उसको कि भाई बताओ ये वो, मैं तुमसे बहुत प्यार कर तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। कोई किसी के बिना नहीं मरता यार, कम ऑन, कोई किसी के बिना नहीं मरता, ये मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, कोई जो लड़की लड़का शादी 25-26 साल के, वो 5 साल के बच्चे नहीं है जो उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, वो सीधी बात है, कोई किसी के बिना नहीं मरता। अगर आप किसी के बिना मर जाते हो तो फिर सबसे पहले आपको मर जाना चाहिए जिस टाइम आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे होते हैं, उस टाइम आपको मर जाना चाहिए क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो साफ से रहते हो। ठीक है, तो खैर हाँ बिल्कुल सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ बस। तो यही मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट, और इसी बेसिक पॉइंट्स पे ही मैं टिका हुआ हूँ। ठीक है, फिर दोबारा अगर होगा तो कभी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, आप अब कंक्लूड कर, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। हाँ सर, आपकी टर्न, थैंक यू वेरी मच मुझे मौका देने के लिए।